हेलो कर चाहते हैं अंकल, आप चाय बिस्किट कुछ लेंगे? नहीं, मेरे लिए स्टॉप। तुम्हें मेरे होने वाले ससुर को सिर्फ चाय ऑफर करनी है और कुछ नहीं, और ये टांग उठाकर तो बिल्कुल नहीं। देखो सकू, आज से मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। छोटा भाई, बिहेव योरसेल्फ। करजातिया परिवार के सामने तुम्हें मेरी बहन की एक्टिंग करनी है, ओके? बहन, ओके। चलो, अब जाओ और थोड़े कपड़े पहन कर आओ। और कपड़े? नाउ सकू, प्लीज गो नाउ, प्लीज। चलो जाओ। ये क्या पहना है? साड़ी। क्यों, अच्छी नहीं लग रही क्या? ये कैसे पहना है? फूलों का, तारों का, सबका कहना है इतना सारा कपड़ा मैंने कभी नहीं पहना है। हाँ ठीक है, लेकिन जो भी पहना है जरा ढंग से पहनकर आ जाओ, ओके? नाउ गो। अरे ऐसे नहीं, ठीक से पहनो, ऐसे ठीक से। मेरे होने वाले ससुर के सामने अपने पल्लुओं को संभाल के रखो, ओके? हाँ ओके। और हाँ, एक बार और अपना नाम दोहराओ। सुशील। संस्कार। साक्षी। सुंदर। अब याद रखना, भूलना मत। ये मिकी कहाँ मर गया? लगता है आ गया। All the best. Come on, we can do this. नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। कन्हैया, ये मेरे बाऊजी हैं। और इनकी तारीफ? शालू का फादर? नहीं, मैं आपके पोपट की बात कर रहा हूँ। ओहो, अरे पोपट की बात कर रहे हो तो पोपट को देखकर करो, मुझे देखकर क्यों कर रहे हो? बाऊजी, कन्हैया का एक प्रॉब्लम है। जब भी ये लाल रंग देखता है, इसकी आंखें लुकिंग चाइना टॉकिंग टोक्यो हो जाती हैं। कन्हैया, फोकस। तुम्हारी बाकी की फैमिली कहाँ है? वो बाद में आएंगे। ओके। आइए, अब आइए ना अंदर। आइए। हाय लागोबा। जी पीरो। आइए बैठिए ना। नहीं, वो मुझसे नहीं होगा, मैं बैठ नहीं सकता। क्यों? बाऊजी को एक बीमारी है, उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज होने के कारण वो ना ही बैठ सकते हैं ना ही लेट सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा खड़ा ही रहता हूँ, और मेरे साथ मेरा पोपट भी हमेशा खड़ा रहता है ना प्रेम? प्रेम? प्रेम नाम है इसका, प्रेम कर जाथिया। वैसे आपका पोपट काफी बड़ा है। हाँ, बचपन में मैं छोटा था तो ये भी छोटा था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, वैसे वैसे मेरा पोपट बड़ा होता गया, और मुझसे ज्यादा मेरी स्वर्गवासी पत्नी को मेरे प्रेम से बेहद प्यार था। तो ये है तुम्हारी फैमिली? हाँ, ये मेरी बहन संस्कार है। नमस्ते। और ये इनके पति सुशील। वाह, संस्कार, सुशील, बहुत ही सुंदर नाम है, संस्कृति से भरे हुए। वैसे तुम क्या करती हो संस्कार? जी मैं देती हूँ। क्या देती हो? गरीब बच्चों को एजुकेशन, विधवा माओं को इंस्पिरेशन, हाउ नाइस, और कुवारे मर्दों को बेसन। इनके पति का बेसन का बिजनेस है, बेसन के लड्डू, बेसन का आटा, बेसन का हलवा, हर किस्म के बेसन में ये मास्टर है। ओह अच्छा, मुझे भी बेसन बहुत पसंद है, कभी कभी आपके बेसन का मजा हमें भी उठाने दीजिएगा। ऑफ कोर्स, आपका जब भी मन हो मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। इनकी सांस क्यों फूल रही है? आस्थमा। कभी कभी मेरी बीवी को आस्थमा का अटैक आता है। कन्हैया, ये इस तरह खुजा क्यों रही है? वही मेरी दूसरी बहन सकू, साक्षी है, और कभी कभी इन्हें एलर्जी हो जाती है, इसीलिए खुजाने लगती है। अच्छा। आप इनकी फिक्र मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगी। और ये नौजवान कौन है? ये इनके पति सुंदर है। नमस्ते। अच्छा, कहीं उनका भी ये आपके पहले जीजू की तरह बेसन का बिजनेस तो नहीं? हाँ जी, आपने सही पहचाना, हम दोनों फैमिली बिजनेस में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। वाह वाह वाह, I love the family that works together, eats together, and sleeps together.
प्रेम प्रेम चिंता मत करो, वो सिर्फ हंस रहे हैं। ये मिकी कहाँ मर गया? कौन मर गया? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपसे मिलकर मेरा मन भर गया। मेरा भी मन भर गया बेटा, लेकिन तुम्हारे माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे। वो बेटा मैं आ गया। आ गया। जैकेट डैडी। आप बाप कन्हैया's फादर। ओ आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा मेरे पोपट को भी बहुत खुशी हुई। वाओ काफी बड़ा पोपट है आपका। अरे नहीं नहीं बेटी डार्लिंग तुम यहाँ आओ, इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था मैं। काफी सॉफ्ट है। डैडी डैडी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? साले अपने होने वाली भाभी पे चांस मत मारे। और तू 2 मिनट लेट आता तो मेरे अंतिम संस्कार में पहुँच जाता। वाह 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 सुंदर अति सुंदर, देखा ये बाप बेटे का प्यार कैसे उछल उछल के बाहर आ रहा है। दोनों कैसे प्यार से खुसुर पुसुर कर रहे हैं, इसे कहते हैं संस्कार। जी आपने मुझे बुलाया? नहीं 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 बहना नहीं, ये तुम्हारी नहीं, इन जनरल संस्कारों की बात कर रहे थे। वैसे लेकिन कन्हैया तुम्हारी माता जी अभी तक नजर नहीं आई। माता जी माता जी माता जी माता जी कहाँ है पता नहीं। वो एक लंबी कहानी है। लंबी है, बहुत लंबी है। बेटा मैं आ गया। What? रॉकी 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 कहीं गाड़ी निकल भाग चलती है। आप कौन है? मैं कन्हैया का फादर हूँ। डैडी आप भी फादर, ये भी फादर, इतने सारे फादर। मैं वो फादर हूँ जिसने इसे जन्म दिया। और ये वो फादर है जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा। इसीलिए कन्हैया हम दोनों को पिता मानता है। अरे सिर्फ हमें ही क्यों बल्कि दुनिया के सारे मर्दों को ये पिता समान मानता है। डैडी वाह कितने उच्च विचार है आपके पुत्र के। अगर हर इंसान इस तरह सोचता रहा तो सारी दुनिया भाई बहनों की तरह रहेगी। लेकिन एक बात बताइए, संस्कार और कन्हैया तो भाई बहन लगते हैं, लेकिन आपकी ये सुपुत्री अलग नहीं लगती? ये तो इसे तो हमने बचपन में ही गोद ले लिया था। Who's my daddy? बच्चे आखिर बच्चे ही रहेंगे। आप जरा आराम कर लीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या आप थक गए होंगे लॉन्ग जर्नी से? साक्षी जाओ तो मैंने बेडरूम दिखाओ। बेडरूम? Anytime. It's my favorite place. Actually, तुम कुछ मत दिखाना, लगता है फिर से दौरा पड़ गया। एक काम करते हैं जीजू तुम्हें ले ले जाओ। हाँ चलिए चलिए। जी बिल्कुल, आइए मैं आपको आपका बेडरूम दिखा देता हूँ। ये कहे पगली गंदी एक्ट्रेस कैरेक्टर से बाहर जा रही है। अबे याया क्या बाथरूम में बंद करो इसे। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है निकी? और तू यहाँ कहाँ से आ गया? अबे तेरा दोस्त हूँ मैं, तुझे लटकता कैसे छोड़ देता। अब कौन आया है? मैं जाके देखता हूँ। अंदर क्यों जा रहे हैं? अरे आप हैं कौन? ये कौन सी भाषा बोल रही है? देखिए बहन जी, लगता है आप गलत पिक्चर में घुस गई हैं। यहाँ वैसे ही सब गोलमाल है। मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। मैं सिंदूर बुआऊं करजातिया जी की विधवा गूंगी बहन। नमस्ते नमस्ते। अगर अंधी भी होती तो ब्लैक 2 में रानी मुखर्जी का रोल भी कर सकती। एक तुस्की, I mean, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू।
ओ बाबूराव एक मिनट सुनो, ये आप लोगों का जो उइयापा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं मेरा मतलब, आप पहले उआ उआ करती हैं, फिर ये कुत्ता भौंकता है। ए, कुत्ता नहीं, इसका नाम सक्रू है। सक्रू? अरे वाह, फिर तो अपने बहुत कम आएगा। एनीवेज, ये सक्रू साहब भौंकते हैं, फिर आप भौंकते, आई मीन बोलते हैं, ये थ्रीसम का क्या चक्कर है? वो क्या है ना, सिंदूर बुआ की बात ये सक्रू समझता है और सक्रू की बात मैं समझता हूँ। वैसे ये खलनायकों में एक ही नायक है, कौन है ये? आप ऊपर क्यों नहीं जाती? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अपने भाई के बगल के कमरे में। जीजू और बहना, आप इन्हें अंदर ले जाओ। नमस्ते जी। आइए आइए। अरे सारा दिन ऐसे सपने देखता रहेगा ना तो तेरा अमीर बनने का सपना एक दिन पानी में घुस जाएगा। अबे साले मतलब क्या तेरा? अरे मतलब ये है कि नए डीपी के चक्कर में क्लाइंट ने मेरा बीपी हाई कर रखा है। अरे इसको समझाना, मेरा वो धंधा है जिसमें रोज खड़ा होता नया बंदा है। अरे और इस काम के लिए वैसे भी मुझे सिर्फ दो चीजों की जरूरत है यार, एक कैमरा और कमरा, वेरी सिंपल। एक मिनट, ये सारे कंफ्यूजन में तो फिल्म कैसे शूट करेगा? अरे टेंशन मत लो, ऐसी खुफिया शूटिंग करूंगा कि किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। कलीम, एक अदनासी कली हिंदुस्तान की मलिका कभी भी नहीं बन सकती। चंपा कली कोई मामूली कली नहीं, कच्ची कली है। गोरी गोरी पान फुला सर की छान। अगर आप इसे अपना शाही टुकड़ा दे। अगर ऐसी बात है तो हम इस कली को दीवार में चिनवाएंगे नहीं, जन्नत में ले जाएंगे। Come on, baby. आपका शाही टुकड़ा देख के हमें डर लग रहा है जहाँ पना। जब प्यार किया तो डरना क्या? कट 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 कट। सीक्रेट कोड क्या है? क्या देख? कन्हैया तू यहाँ? तुम लोग यहाँ मुगले आजम शूट कर रहे हो और वहाँ डाइनिंग टेबल पर बाबूजी मुगलाई खाना खाने के लिए रुके हैं। अरे पांच मिनट रुक जा, सिर्फ क्लाइमेक्स बाकी है। जल्दी कर, तू जल्दी कर। ए, रुक। सीक्रेट कोड क्या है? अरे अपनी सक्कू होगी, सक्कू ऐसी आवाजें वही निकलती है। चल उसको जल्दी अंदर ले। अबे वो गुंगी बेरी बुआ बाहर खड़ी है। I hope उसने कुछ देखा नहीं हो। अगर देखा होगा तो शौक से अंधी भी हो जाएगी। तुम लोग से छुप जाओ, छुप जाओ। हे रॉकी, ये सब क्या चल रहा है? एक्चुअली बैंकॉक का जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हम एक प्ले कर रहे हैं, पवित्र रिश्ते, उसकी रिहर्सल कर रहे थे। लेकिन ये लड़की इनके आगे झुककर क्या कर रही थी? वो एक्चुअली खाने से पहले अपने पिता के चरण धो रही है। खाने के पहले तो हाथ धोते, चरण कौन धोता है? हमारे खानदान में खाने से पहले सब कुछ धोते हैं। क्यों? क्योंकि हम खाने से पहले हाथ जोड़कर ईश्वर को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि ईश्वर को स्वच्छ मन और स्वच्छ तन से याद किया जाता है, है ना? हे ऊपर वाले संभाल ले। राधा के बिना शाम आधा, कहते राधे शाम, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे। राधा के बिना शाम आधा आधा आधा। यहाँ थाईलैंड में रहकर भी आप सब आपकी सभ्यता, आपकी परंपरा, आपके संस्कार को नहीं भूले, ये देखकर मन अति प्रसन्न हुआ है। क्यों ना हम सब कल पिकनिक पे चलें, ताकि एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। एक और बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बहन सिंदूर, जिसने अपनी सुहागरात पे ही अपना पति और अपनी आवाज दोनों को खो दिया, जिसके चेहरे पर मैंने सदा मायूसी ही देखी, जिसकी आंखों में मैंने हमेशा आंसू ही देखे, उसके चेहरे पर आज इतने सालों के बाद मैं मुस्कुराहट देख रहा हूं। खुदकुशी तो दूर।
खुशी खुशी यहाँ हमारे सबके साथ। मैं आपके लिए और कन्हैया की माँ के लिए खीर निकाल कर रहा था। क्या? नहीं, मेरा मतलब है मैं आप सबके लिए खीर निकाल के ले आता हूँ। हेलो सर। ये बाबा जी की बूटी कन्हैया के बाबूजी और उसकी मासी की टूटी फूटी मोहब्बत को फिर से टूटी फ्रूटी बना देगी। खीर आ गई है, सबको खिलाओ। ये आपके लिए। थैंक यू। ये आपके लिए बहुत बढ़िया खीर है। आज तुम्हें हो क्या गया है? थक ही नहीं रहे हो? Plan successful. इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। खुद मैसेज करके पूछते हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैंने मैसेज किया? Naughty boy. Let's have fun. पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। ये तो कन्हैया की आवाज है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कन्हैया दरवाजा खोलो। चुप बाबूजी। कन्हैया सब कुछ ठीक तो है? हाँ बाबूजी। चिल्लाने की आवाज सुनी? नहीं बाबूजी, कोई टेंशन नहीं, जाइए ना, सो जाइए, देर हो गई है। हाँ। मैं भी सो जाऊंगा। हाँ। ओके। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। कम ऑन बेबी, कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नो वन विल कम, ओनली वी विल कम। देखिए, कन्हैया मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि तुम उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाओ जो उसके पापा भी नहीं बना पाए। कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? एक दोस्त का। अरे दोस्त ही तो हूँ मैं उसका, मतलब दोस्त भी तो हूँ मैं उसका। तो आओ ना, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं अभी इसी वक्त। शालू, तुम्हें पता है ना लाल रंग से मैं
अरे ये क्या कर रही हो? I didn't mean that. You okay? Focus कर यार, focus, 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 focus. कन्हैया. तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार. Come on baby. अभी नहीं, अभी नहीं. बाबूजी फिर से आ गए तो? I don't care. जब से तुम्हें देखा है दिल में बार बार एक ही ख्याल आता है, सुबह होने ना दे, शाम खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे। मैं तेरा हीरो? वो मेरी फेवरेट फिल्म है, मैं भी डीवीडी लेकर आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? डीवीडी लेकर आता हूँ। अब मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी मिल जाए। You mean खो जाए? या, whatever. चलो प्रेम। तुम मेरे पीछे पीछे क्या घूम रहे हो? मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ इस सकरू के साथ। गुड नाइट। बोला था ना तुम्हें बाबूजी फिर से आ जाएंगे, अब चुप जाओ, चुप जाओ, चुप चुप जाओ। अबे तू इस वक्त मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहा है? अबे तेरी मासी ने मुझे क्या हुआ? अबे तेरी मासी मेरे कमरे में है, मुझे तेरा बाप बनाने पे तुली हुई है। 10 मिनट और रुकता ना तो 9 महीने बाद हमारी औलाद तुझे भैया बुलाती। कुत्ते, तूने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? अबे कुछ करना होता तो क्या मैं यहाँ होता? चल दिखा दो। Yes, yes, yeah. Early to bed and early to rise. I gonna makes me crazy. Babuji, अपने पापा के साथ यहाँ आ रहे हैं। अरे बैगन कहाँ से आ गया? ये बिजली कैसे चली गई? चल 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 दिखा दो, चल। कमाल, इतना शोर था, इतनी रोशनी थी, यकायक ये क्या हो गया? देखा? बड़े अच्छे लोग हैं, खानदानी, सुशील, संस्कारी, है ना बुआ? इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाथरूम ढूंढ रहा था, मुझे स्नान करना पड़ेगा। अपनी मासी को ऐसी उल्टी सीधी हरकत करते देखकर मुझे उल्टी आ रही है। इसमें जरूर करजाते का हाथ है, वरना मेरी मासी ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करती। अरे किसी भी तरह करजाते को रोकना होगा, वरना रोज रोज आंटी मेरी घंटी बजाने पहुंच जाएगी। उस बुड्ढे को समझाना होगा कि वो कितने भी पापड़ बेल ले, तेरी मासी दोबारा मेरे लिए पापड़ नहीं सेकने वाली। वो कैसे? उसे ये बोल के कि हाथ में पकड़ के बेलन, मेरे किचन में ऑलरेडी है दूसरी विद्या बालन। दूसरी विद्या बालन? मैं समझा नहीं। मतलब मेरी झूठ मूठ की गर्लफ्रेंड। झूठ मूठ की गर्लफ्रेंड? हाँ, मतलब तेरी झूठ मूठ की होने वाली दूसरी सौतेली माँ। अब देख तेरी फैमिली की क्लीन पिक्चर को कैसे बनाता हूं मैं डर्टी पिक्चर।
कोर्स डार्लिंग, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। And I love you too. Yes, yes, don't worry. I miss you too. अच्छा डार्लिंग, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ये किससे बातें हो रही थी? लगता है मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे छुपा ही रहा था। लेकिन क्या करें, प्यार चीज ही ऐसी होती है, लाख छुपाओ वो छुपते ही नहीं। मैं समझा नहीं। ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड? मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत शादी करने वाला हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश थी कि आप प्लीज मुझे और कन्हैया की मासी को, मतलब मेरी पहली बीवी को, एक साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं। प्रेम? एक और माता? पता नहीं कन्हैया इतनी सारी माताओं को हैंडल कैसे कर पाएगा। वेल ठीक है, मैं आपकी इस नई जीवन संगिनी को मिलना चाहूंगा। क्या आप उसे मिलकर क्या करेंगे? क्या करूंगा? अरे तसल्ली, जो औरत मेरी शालू की सौतेली सासू मां बनने जा रही है, उसका रहन सहन, उसका चाल ढाल, उसका चरित्र कैसा है, वो तो जानना पड़ेगा ना। पर उसके चरित्र से आपको क्या लेना देना? लेना देना क्यों नहीं, मैं आपके बेटे को मेरी बेटी खुशी खुशी देना चाहता हूँ। समझे जी, आप एक काम कीजिए, हम सब जा रहे हैं पिकनिक पे, आप भी आपकी नई गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ पहुँच जाइए अगले एक घंटे में। एक घंटे में? अबे रॉकी कैसे होगा यार? रॉकी अब एक घंटे में अगर तूने मेरे होने वाले ससुर को मेरी होने वाली सौतेली माँ से नहीं मिलवाया तो घंटा मेरा ससुर मुझे अपनी बेटी देगा। घंटा ना है यार, अगर तेरे दो दो नकली बाप आ सकते हैं तो क्या एक नकली सौतेली माँ नहीं आ सकती? माँ की नियत ना मेरे को ठीक नहीं लग रही, लगता है ले दे के ही छोड़ेगी। तूने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? क्या बोलती है ये? मैं कल रात आपका कमरा ढूंढ रही थी। क्या क्या? ये क्या कर रही है ये? मुझे आपके साथ जेट स्की राइड पे जाना है। अबे कौन जाएगा तेरे साथ जेट स्की राइड में? अरे मुझे नहीं, ऐसा ये कह रही है और तुम सिंदूर बुआ की बात टाल नहीं सकते। अरे आपको कौन मना कर सकता है, कम ऑन आई विल टेक यू। कर जाते हैं जी, देखिए मैं अपनी विद्या को ले आया। फोकस। बाऊजी, आप बिल्कुल 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 क्या? बिल्कुल मेरी मेरी शालू की माँ पर गई है। क्या क्या? हाँ, आपको देखकर मुझे और मेरे पोपट को दोनों को शालू की माँ की याद आ गई। नॉटी। अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, देखिए उसकी तस्वीर, ये देखिए। अब ये कौन सा नया ट्विस्ट है, तू तो बिल्कुल बुड्ढे की मरी हुई आइटम जैसा लग रहा है। आपको देखकर ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शहर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन। 1942 अ लव स्टोरी? नहीं, 1972 अ लव स्टोरी, जब मैंने शालू की माँ को पहली बार देखा था, और आज लग रहा है कि वक्त ने फिर से पलटी मारी है। मुझे लगता है हमें अब गलती मारनी चाहिए। आप ठीक तो है ना? भगवान कैसे कैसे खेल खेलता है, आपको देखकर मुझे सचमुच अपनी माँ की याद आ गई। मम्मी। बेटी बेटी। बाऊजी, ये कन्हैया कहाँ चला गया, मैं देखकर आती हूँ। चलो बेबी, आई मीन बेटी बेटी, मुझे मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। जाने से याद आया, तुम्हें कहीं जाना था, पार्लर में अपॉइंटमेंट है ना? ऑफ कोर्स।
अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। आपको आज तो मेरे साथ करके ही जाना होगा। क्या? क्या? लंच? नॉटी। ललिता। आओ। मेरा नाम है पीके लेले। Nice to meet you. ये खूबसूरत बला कौन है? ये विद्या है, मेरी गर्लफ्रेंड। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। वैसे आपको देख के ऐसे लगता है कि मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। लाइन मारने की बहुत पुरानी लाइन है। लेकिन आज भी चलती है। आप इनकी बातों पे मत जाइए। खो देंगी पहाड़ तो निकलेगा चूहा। और तुम्हें खो देंगे तो क्या शेर निकलेगा? अब रहने भी दीजिए करजाते जी। वैसे भी मुझे सच में जाना है, मेरा घर बहुत दूर है। पहुँचते पहुँचते 3 घंटे लग जाएंगे। वैसे ये हमारा बेटा कन्हैया कहीं दिख नहीं रहा है। उसके आने तक हम विद्या जी को नहीं छोड़ सकते। मेरे होते हुए कैसे आ सकता है? क्या? आई मीन मेरा मतलब है, मेरे होते हुए वो कैसे आएगा? मैंने तो उसे पास के मॉल में भेजा है दवाई लेने, मेरे पेट के लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा है तो हम सब मॉल जाएंगे, उसे ढूंढेंगे, लंच करेंगे और फिर घर जाएंगे। जाइए विद्या जी। आप चलिए।